गंगा की धार के बीच यात्रियों से भरी नौका पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, लेकिन जो अस्पताल से प्रमाण मिले हैं उसके अनुसार एक महिला घायल हैं। मृतक का नाम धनराजो देवी, जो कोचस जिला रोहतास के कोचस थाना अंतर्गत बराव गांव के यमुना सिंह की पत्नी हैं। जैसे ही इसकी खबर प्रशासन को लगी, सदर SDO धीरेंद्र कुमार मिश्रा, CO औद्योगिक थाने के थानाध्यक्ष सभी लोग मौके पर पहुंचे। यह हादसा जहां हुआ है यह अहिरौली गांव के ठीक सामने का वाकया है। हालांकि प्रशासनिक दावे के अनुसार नौका पर सवार लोग उस तरफ से अर्थात यूपी की तरफ से बिहार की तरफ आ रहे थे, जबकि वास्तविकता खबर की तस्दीक के दौरान जो पता चली इधर के ही लोग तनाव के लिए उस तरफ गए थे। हालांकि यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, सदर SDO धीरेंद्र कुमार मिश्रा से मीडिया के लोग बात कर रहे हैं, तब तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि पूरा माजरा क्या है। फिलहाल धीरेंद्र कुमार मिश्रा की बातें। इसके साइड में उस तट पे एक नाव के माध्यम से कुछ महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों की थी, ज़्यादातर उसमें रोहतास जिले के कोचस थाना की महिलाएं बताई जा रही हैं, वो उस तरफ गई थी। संभव है मुंडन के संस्कार के लिए गई हों या अन्य किसी वजह से गई हों। वहाँ गंगा में स्नान करने के क्रम में या नाव पर चढ़ने के क्रम में यह भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन एक महिला की मृत्यु हुई है, एक महिला उसमें घायल हुई थी, उनका इलाज तत्परता से कराया गया है, वो अभी स्वस्थ हैं। थाना प्रभारी और CO ने बताया है भी कि उनकी अब जान को कोई खतरा नहीं है। एक महिला जो मृत है उनकी बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो नाविक था या जो नाव थी उसका ट्रेस अभी नहीं लग पाया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी संपर्क साधें और उनको इस सूचना की जानकारी दी जाएगी, ताकि जो भी घटना है उसकी असलियत भी पता चले और जो आवश्यक कार्रवाई है वो भी की जा सके। FIR वगैरह भी दर्ज किया जाएगा। FIR दर्ज किया। नाव पर कितने लोग सवार थे सर? नाव पर जो महिलाएं थीं उनमें से दो हमारे पास हैं, जिनके में से एक का हम लोग इलाज करवा रहे हैं, एक की मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है जैसा मैंने बताया। इलाजरत महिला खतरे से बाहर है, बाकी महिलाओं के बारे में उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को भी जानकारी नहीं वो कहाँ गई हैं, संभव है वो अपने अपने घर चली गई हैं। लापता भी तो हो सकते हैं सर, जब जानकारी नहीं आ रही तो इसमें क्या कहा जा सकता है? नहीं, उन लोगों में से किसी ने ये सूचना नहीं दी है कि वो लापता हुई हैं या उनके साथ कोई घटना हुई है, और यही कारण है जैसे मैंने बताया हम लोग तुरंत इंटीमेट कर रहे हैं वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को। अगर इस तरह की कोई संभावना, जिसके अभी तक कोई हम लोगों को संकेत नहीं मिला, इस तरह की कोई आशंका है तो उस तरफ वो लोग दिखवा लें, हम लोग भी उनको पर्याप्त गंगा नदी में। खबर की जानकारियां एकत्र करने के दौरान यह पता चला, घायल महिला का नाम बुटनी देवी है, जो राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव के रहने वाले राम सूरत सिंह की पत्नी है। इस मामले में मीडिया के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से तीखे सवाल जवाब किए। प्रशासन का कहना था यह लोग किधर से आ रहे थे, क्यों जा रहे थे, इन सब बातों की तस्दीक बाकी है। लेकिन जब स्थानीय लोगों से इस सिलसिले में बात हुई तो पता चला बक्सर में तनाव की भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने औद्योगिक थाने के पास बैरियर लगा रखा था। इस वजह से स्थानीय लोग रामरेखा घाट न जाकर अहिरौली घाट आए थे और इसी दौरान आने जाने के क्रम में यह हादसा हो गया। प्रशासन ऐसे मामलों में क्या सावधानी बरत रहा है, इसको लेकर भी मीडिया के लोगों ने सदर SDO से सवाल जवाब किया। उसके छोटे अंश भी सुन लीजिए और ग्रामीणों ने इस बारे में क्या कहा आप वो अभी सुन लीजिए। उस तरफ की वारदात है, तो जब तक वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों से संपर्क नहीं हो जाता या वहाँ के स्थानीय लोगों से बात नहीं हो जाती, तब तक ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन इस तरह के धार्मिक संस्था कार्यों के दौरान नाविकों को कुछ सलाह दी जाएगी सर? नाविकों को सलाह भी दी जाती है, उनका प्रशिक्षण भी किया जाता है, गोताखोरों की भी हम लोग प्रतिनियुक्ति करते हैं। और जब जब इस तरह के, चूँकि ये जो आयोजन है, ये जो संस्कार है, आप जानते हैं ये 3-4 महीने तक लगातार चलते हैं, जब भी कोई बहुत बड़ी संख्या में आने की उम्मीद होती है लोगों को, हम लोग NDRF और SDRF की टीमें भी मंगवाते हैं। ये घटना इस संस्कार से जुड़ी हुई है या नदी पार करने आने जाने के क्रम में ये घटना हुई है या उस पास से आकर स्नान करने के क्रम में हुई है,
ये अभी जब तक कि बाकी महिलाओं से संपर्क नहीं हो जाता या जो नाविक है वो पकड़ा नहीं जाता तब तक कहना मुंडन संस्कार। घटना सुबह 6 बजे से तनाव यहाँ चालू है, इसलिए कि गोलंबर पे जाम होने के चलते यहाँ पर रोक दिया जाता है और हमको उम्मीद है कि कम से कम 100 से कम नहीं अधिक तनाव यहाँ हुआ होगा। हर शुक्रवार और सोमवार को तनाव होता है, यहाँ आदमी 50,000 से ऊपर जुटते हैं, यहाँ कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, न सीओ साहब की न एसडीओ साहब की, पुलिस प्रशासन किसी के कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर कारण क्या है कि इतना लोग आ जाता है? वहाँ रोक दिया जाता है ना बक्सा तनाव के लिए, इसीलिए यहाँ सब मुड़ कर हरोली आ जाते हैं। तो ये तो नगर परिषद जी, नगर परिषद वार्ड नंबर 38 कुछ है कि नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सीओ साहब एसडीओ साहब का कोई, पुलिस प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं है। आज क्या हुआ था? आज यहाँ एक ठो नाव डूब गई, उसमें 7 औरत थी जिसमें 6 इंजर्ड है, 1 एक्सपायर कर गई है, डेथ कर गई जी, डेथ कर गई है। आपका विद्याशंकर चौबे और गोवर्धन चौबे। हालांकि दुर्घटनाएं गंगा नदी में ही नहीं सड़क पर भी होती रहती हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, इससे भागने की जरूरत नहीं, लेकिन इस समस्या से निपटने की तैयारी तो अवश्य प्रशासन को करनी ही होगी। लोगों की भीड़ को रोकने के लिए सिर्फ प्रतिबंध लगा देने से जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती। आप देख रहे हैं बक्सर खबर।